न्यूज 24 के एजुकेशन इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं गेट के ऊपर। आज हमारे साथ प्रोफेसर राजेश सिंह वत्स जी हैं और गेट में इनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है कई सालों से। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज इनके अंडर में जो पढ़ाई किए हैं वो कितने रिसर्च सेंटर में है, कहीं जॉब में कर रहे हैं, इन्होंने रैंक 1 भी दिया है। हम बात करेंगे दो तीन ऐसे मुद्दे पे। इस पेंडेमिक के बाद जो एजुकेशन जो सिस्टम चेंज हुआ है, अभी ऑनलाइन जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, जो इंटरेक्टिव जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बात हुआ करती थी, साथ कहीं ना कहीं अभी पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन में आ चुका है और ऑनलाइन में वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हम इसे बात करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जब रिसर्च हुआ था, उसमें जब सर्वे हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे फर्स्ट ईयर सेकेंडरी के स्टूडेंट भी थे जिनको गेट के बारे में साथ ज़्यादा नॉलेज नहीं है या अवेयर नहीं है। इस मुद्दे बात करेंगे। गेट एग्ज़ाम है क्या? इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? और चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इस सिचुएशन पे गेट की तैयारी स्टूडेंट कैसे करें, उनके पास क्या ऑप्शन है, कौन से लोग किस ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेश एस सिंह से। प्रोफेसर राजेश सिंह, आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज 24 में। आप ये बताइए कि आज के समय पे एक सर्वे के हिसाब से बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं लेकिन उनको गेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या ये अवेयरनेस की कमी है या फिर कॉलेज में उनको गेट के बारे में बताया नहीं जाता? फर्स्ट ईयर में गेट के बच्चा पहली बार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो उसका फोकस होता है कि मैं इंजीनियरिंग को क्लियर करूँ। सो फर्स्ट ईयर में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है अपने इंजीनियरिंग करियर के बारे में, वो उतना ध्यान नहीं देता है कि इंजीनियरिंग के बाद क्या किया जाए। इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर के बाद, और फर्स्ट ईयर में लगभग सारे सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, लगभग सारे ब्रांच में सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन हो। सेकेंड ईयर से बच्चों के टेक्निकल सब्जेक्ट्स स्टार्ट, तो अगर बच्चों को गेट या राइट फ्यूचर करियर के बारे में फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा नहीं मालूम है तो उसके लिए ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर से बच्चों को, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं और फिर उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो अपना फ्यूचर करियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, उनका डिफरेंट सेट ऑफ पोटेंशियल्स होता है एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है। कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग के बाद तुरंत नौकरी करने का घर से भी प्रेशर रहता है और वो खुद भी सोचते हैं। कुछ बच्चे जो टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं है बट फैमिली प्रेशर से उनको इंजीनियरिंग करना पड़ा तो वो इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो दूसरे डायरेक्शंस में देखते हैं। जिन बच्चों का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है डेफिनेटली उनको गेट के बारे में जानना चाहिए। तो ये जो आप बहुत सारे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के बाद गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका रिकमेंडेशन क्या रहता है कि वो बच्चे गेट की तैयारी किस ईयर से करें? और उससे पहले ये गेट है क्या और गेट एग्जाम को क्लियर करने से क्या फायदे हैं? ओके, सो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। गेट की तैयारी किस ईयर से शुरू करें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सेकेंड ईयर में जब बच्चे अपना टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अभी एक बहुत ही गलत पैटर्न चल रहा है। बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं पास होने के लिए, अच्छा मार्क्स पाने के लिए, और वो जा करके एग्जामिनेशन हॉल में जो भी उन्होंने पढ़ा है राइट उसको ओमिट करके जस्ट चले आते हैं और दे डोंट हैव अ नॉलेज। सो बच्चों को गेट की तैयारी या सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं कहूँगा उसको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है गेट आप हमेशा सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि गेट आप प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर दोनों ईयर्स में दे सकते हैं। गेट आप थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं और लास्ट ईयर फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं, और गेट का स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। सो फाइनल ईयर में बच्चों के पास बहुत से काम होते हैं। कुछ बच्चों को प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करनी रहती है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी है, और अगर आप फाइनल ईयर गेट, तो अगर आप ये तीनों चीज़ें करना शुरू करेंगे फाइनल ईयर में, गेट की भी तैयारी, प्लेसमेंट की भी तैयारी और प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो सारी चीज़ें एक साथ, तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इन तीनों में से किसी भी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। गेट का जो सब्जेक्ट्स है
वो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का है। इसका मतलब फाइनल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स या तो नहीं है और या तो बहुत ही कम है। तो चूंकि आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स इस थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर्स में आपने ताजे पढ़े हुए हैं, राइट, और आपने उनको गेट के अकॉर्डिंग आपने उनको प्रॉब्लम्स को ट्राई किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, सो ये इसके ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपके थर्ड ईयर में ही बहुत अच्छे स्कोर आ सके। मैंने खुद गेट पहली बार अपनी थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में क्लियर किया है। मेरा एक स्टूडेंट्स है जो अभी थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जिसका रैंक 200 से कम है, तो एटलीस्ट वो बेचारा भी क्या श्योर है कि फाइनल ईयर का उसका परफॉर्मेंस कुछ भी हो उसको आईआईटी आईएससी में, राइट, एडमिशन मिल सकता है, एटलीस्ट टॉप मोस्ट आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, तभी उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। फाइनल ईयर में अब वो दूसरे अपने ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकता है और एट द सेम टाइम वो अपने गेट के रैंक को इम्प्रूव भी कर सकता है। सो सबसे सही टाइम गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपका जो है वो सेकेंड ईयर है। गेट 2021 के लिए मैंने स्टूडेंट्स राइट जयदीप पवार को पढ़ाया, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट 2021। वो लड़का मुंबई में ये सर्च कर रहा था कि कहाँ से वो जो है सेकेंड ईयर से गेट की तैयारी कर सकता है। ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने आईआईटी के लिए ट्राई किया था 12th के बाद और वो उसके लिए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, तो उसके दिमाग में कहीं था कि नहीं मुझे आईआईटी या आईएससी जाना ही है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर वो बेचारा सेकेंड ईयर के लिए सर्च कर रहा था कौन मुझे गाइड कर सकता है, कौन मुझे टीच कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज अवेयर। ही केम टू मी एंड ही ज्वाइन एक्चुअली विजन गेट और उसने 2 साल तैयारी किया। मैंने देखा गेट 20 जब वो थर्ड ईयर में था, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर तक मीन्स 2020 तक आप थर्ड ईयर में गेट का अटेम्प्ट नहीं दे सकते थे। तो बेचारा गेट का अटेम्प्ट तो थर्ड ईयर में नहीं दे पाया, बट उसके परफॉर्मेंस बाकी जो गेट 20 के बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके बराबर थे और काफियों से अच्छे थे। तो उसने जब अपने फाइनल ईयर में गेट दिया, 2 साल उसने पूरा समय डिवोट किया और उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को आज के इस समय में बेयर मिनिमम एवरेज बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, उसको गेट की तैयारी करने के लिए 1 साल सबसे कम चाहिए, राइट, आइडियल टाइम उसका है 1.5 years to 2 years। मुझे लगता है कि उसको थर्ड ईयर को अपना टारगेट बनाना चाहिए और सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट करें। तो ये जो बच्चों को बनाता है कि गेट बहुत टफ है, तो और एक सवाल जो आप उसका आंसर चाहिए कि आखिर एक गेट है क्या, एक गेट के बारे में जो एक अवेयरनेस या गेट के क्वालिफाई करने के बाद उस बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा? ओके, सो सबसे पहले ये भ्रांत की गेट बहुत टफ है ये सही नहीं है, ये भी कहना सही नहीं है कि गेट बहुत आसान है। ये बिल्कुल सप्लाई और डिमांड है। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा। मैं गेट के लिए लास्ट 17 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने तीनों टाइप के बच्चों को टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हुए ते हुए देखा है। वो बच्चे जो परसेंट में 90% प्लस रहते हैं या पॉइंटर में 10 पॉइंटर्स रहते हैं, वो भी बच्चे जो मीडियाकर होते हैं 80% आर 8 CGPA, और वो भी बच्चे जो बेचारे 6 पॉइंटर होते हैं क्लोज टू 7 CGPA। अभी गेट 2020 में मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, ही इज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट प्रतीक, उसने जब पहली बार गेट दिया था तो उसके 8 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, 8 मार्क्स, और उसने गेट 2020 में 65 मार्क्स पाया और उसने IIT गुवाहाटी में एडमिशन लिया। तो बहुत ही बड़ा जंप था। तो ये कि बहुत अच्छे बच्चे ही गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ये गलत है। उसी ईयर गेट 2020 में मेरे पास बहुत से बच्चों के एग्जाम्पल हैं जो 90% या 9 CGPA अप थे और उनके 1000 रैंक तक भी नहीं आए, और एक लड़का जो बहुत ही डाउन साइड था वो 8 मार्क्स से 65 मार्क्स पाया और IIT में एडमिशन लिया। तो सर जो IIT में जो एडमिशन होता है गेट के बाद, तो उनका फिर किस ईयर में जाते हो या फिर वहाँ PhD करते हैं? फाइनल ईयर BTech करने के बाद गेट के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सो आई विल जस्ट एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस, राइट। सो सबसे पहला ऑप्शन
कि आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एमटेक के लिए इनरोल कर सकते हैं, जैसे आईएससी बेंगलोर में आप इनरोल कर सकते हैं, टॉप मोस्ट आईआईटीज में आप इनरोल कर सकते हैं, न्यू आईआईटीज में इनरोल कर सकते हैं, राइट, और एनआईटीज में इनरोल कर सकते हैं। गेट की एक सबसे खासियत है, इंडिया में गेट वो एग्ज़ाम है, अगर आप उसको क्लियर करके एमटेक करते हैं तो बच्चों को लगभग 12,500 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वो बच्चे अपने पैसे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जिन्होंने टायर टू या टायर थ्री कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ में ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने एकेडमिक्स को अच्छा कर सकें। और अभी इसके फायदे क्या है, अगर आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर्स में जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जाना है, सो तमाम पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट्स बच्चों को डायरेक्टली गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। गेट के एग्ज़ाम के बाद उसके स्कोर पर उनका इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होता है और उसी प्रोसेस पर वो बच्चों को रिक्रूट करते हैं। जो एग्ज़ाम डायरेक्टली गेट से नहीं लेते हैं उनका पेपर पैटर्न भी गेट के सिलेबस पर ही डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अगर आप आईईएस की तैयारी करना चाहें तो आईईएस की तैयारी और गेट की तैयारी एटलीस्ट 80% दोनों वन एंड द सेम है। केवल आईईएस में देर आर 10-20% ऑफ द गैप, आप वो चीज कवर कर सकते हो, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर्स में जा सकते हो, राइट। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में लेक्चरर्स बनना है तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी जो है एमटेक होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा मैंने खुद निटी मुंबई से पीजीडीआई कोर्स किया है, ओके, राइट, विच इज अ काइंड ऑफ एमबीए काइंड ऑफ अ कोर्स, राइट, और वो इंजीनियर्स के लिए एक काइंड ऑफ अ मक्का मदीना है, राइट। अगर आपका इंटरेस्ट जो है टेक्नो मैनेजमेंट में है, आप जो है राइट बहुत बिल्कुल डीप रिसर्च में नहीं जाना चाहते, मैनेजरियल साइड में जाना चाहते हैं, तो निटी मुंबई आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं केवल इंडिया के अंदर, गेट का स्कोर कार्ड अभी धीरे धीरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स, राइट, आप सिंगापुर में, जर्मनी वगैरह में, जो आपके गेट स्कोर कार्ड को वैल्यू करते हैं और उसके थ्रू आपको एडमिशन लेते हैं। तो धीरे धीरे गेट का जो स्कोर कार्ड आप मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज बहुत सी इंपॉर्टेंट, आईआईटीज वगैरह में जो आपको पीयर ग्रुप मिलता है सीखने के लिए, जिस तरीके से आप, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, आप न्यू आईटी फील्ड में जा सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट्स है संकेत पुरंदरे, उसने इंजीनियरिंग किया थारोमल इंजीनियरिंग कॉलेज से, फिर उसने एमटेक किया आईएससी बेंगलोर से, और अभी वो हार्वर्ड में पीएचडी कर रहा है। अभी सोचो वो ऐसी जगह पर है जिसमें इंडिया का ही टॉप मोस्ट ब्रेन नहीं, पूरी दुनिया का टॉप मोस्ट ब्रेन आ रहा है, राइट। तो वो बच्चे का परफॉर्मेंस, उसकी स्किल एकदम बिल्कुल निखर करके आ रही। तो गेट का स्कोप बहुत ही वाइड है, गेट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, केवल गेट आपको डिसिप्लिन चाहता है, कन्विक्शन चाहता है और अच्छा टीचर चाहता है। हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।